आज हम बनाएंगे पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है गर्म होने के लिए। कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसमें हम तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम सबसे पहले पनीर को फ्राई कर लेंगे। पनीर को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करना है। ये फ्राई हो चुका है, अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तरह करके हम सभी को फ्राई कर लेंगे। हमने सभी को फ्राई कर लिए, अब हम ग्रेवी बनाएंगे। सबसे पहले हम जीरा डालेंगे, 2 तेजपत्ता डालेंगे और प्याज डालेंगे। फिर से हम मिला करके भून लेंगे। हमने प्याज को भून लिए, अब इसमें हम मसाला डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच, 1/4 काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर। अब इसे हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम मसाला को भून लेंगे। मसाला को हमने 1 से 2 मिनट पका लिया है, अब इसमें हम टमाटर और शिमला मिर्च डाल देंगे। फिर इसे हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे। हमने मसाला में बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और टमाटर देने के बाद फिर उसे 1-2 मिनट पका लिया है, अब इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और गरम मसाला डाल देंगे 1/4 चम्मच। ऐसे फिर हिला करके हम इसमें पानी डाल देंगे। और इसे हम मिला करके छोड़ देंगे, उबाल आने देंगे। ये देखिए इसमें उबाल आ गया है, अब इसमें हम पनीर डाल देंगे। और इसे हम मिला देंगे। अब हम बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। अब ये पनीर का सब्जी
बनके तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये पनीर का सब्जी बनके तैयार है।